हेलो प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई थिंक अच्छी चल रही होगी, अच्छी चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है? किसी सोलेनाइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किसी टॉरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब सोलेनाइड किसे कहते हैं? एक मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से, आज मुझे ये मिल गया ये वायर। ओके, तो ये अगर मान लो एक इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर वायर तो कंडक्टर ही होता है, इंसुलेटेड बना देते हैं, ये जो है ना क्लॉथ, ये थ्रेड ऊपर से लपेट देते हैं या प्लास्टिक लगा दो तो इंसुलेटेड हो गया। और उसको जब हम सर्कुलर क्लोजली पैक्ड कर देते हैं, ठीक है, क्लोजली वुंड कर देते हैं, ये थोड़ा सा इसको जितना भी क्लोज करो, क्लोज करोगे तो ऐसे, तुमको दिखाने के लिए मैं बता दिया हूँ, मतलब ए इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स विच इज क्लोजली वुंड। अगर क्लोजली वुंड है तो उसको हम क्या कहेंगे? सोलेनाइड कहेंगे। अब जैसे आपने स्प्रिंग वाले, जो स्प्रिंग वाला पैन यूज किया है ना, उसमें स्प्रिंग होता है, ऐसे आप टिप टप जो करते हैं, तो वो जो स्प्रिंग निकालिएगा वो स्प्रिंग क्या है? एक सोलेनाइड है। वैसे ही कॉपर वायर रहता है, अच्छा वो सोलेनाइड नहीं है, अगर उसमें करंट फ्लो होगा तब वो सोलेनाइड है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं सोलेनाइड। ओके, अब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ओके, तो इसी के कारण, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसको हमको फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। लेकिन इससे पहले हमने थोड़ा सा ये जानना है कि इसके जो अंदर, जो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, किस तरह से वेरिएशन शो करेगा। ओके, तो ये हमने लिख रखा है पहले से ही, सोलेनाइड क्या है? व्हेन ए कॉपर वायर क्लोजली वुंड ऑन द इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स देन इट इज नोन एज सोलेनाइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट सोलेनाइड, देखो इस पर्टिकुलर वाले टॉपिक के कारण यही समझना है कि एक स्ट्रेट सोलेनाइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होगा, कहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा, तो वो देखना है। पहले समझो, जैसे ये आयरन कोर है मान लो, सपोज करो, ओके, और इस पर हमने क्या कर दिया, इधर से वायर जा रहा है, नीचे से जा रहा है, ठीक है, एक ऐसे, यहां से इस तरह से, इस तरह से ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में हमने ऐसे लपेट दिया, ये क्लोजली है बट दिखाने के लिए तुमको तो ये करना ही पड़ेगा इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके इस तरह से, तो ये अंदर से गया करंट, ये बाहर ऐसे आएगा इस तरह से यहाँ पर, ओके, ये इस तरह से, तो ये करंट जो है ना अंदर से जा रहा है और ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो करंट यहां पर अगर चेक करें आप तो क्या निकले करेगा, ऊपर से निकलेगा, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ, मतलब हर एक वायर जो है ना, हर एक वायर से करंट जो है ना बाहर की तरफ तो निकलेगा नहीं, और यहां पर भी करंट ऐसे निकलेगा, यहां ऐसे से इस तरह से, डॉट साइन क्या बताता है, बाहर की तरफ आना, तो ये डॉट की तरह ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा, और यहां जो है ना क्रॉस साइन, ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, क्रॉस, क्रॉस साइन का मतलब अंदर की तरफ जाएगा। ओके, ये क्रॉस है ऐसे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, मैग्नेटिक बिहेवियर ही जस्टिफाई करना है, देखना है हमें, ठीक है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, जैसे ये जो है ना, ये हेलिक्स बनाया था ना, तो समझ लो कि ये जो है ना वायर ऐसे निकल रहा है ऊपर की तरफ, और ये ऐसे है, और एक फॉर्म और बना दो तो यहां से एक करंट निकल करके और इस साइड से आ रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर से करंट आ रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा और टेढ़ा करो, ऐसे निकल जाएगा, ये तो अंदर से जा रहा है, मतलब ये हम मान रहे हैं, या फिर ऐसे कर लो, ऐसे सीधा करके उस साइड से, ये थोड़ा सा बन नहीं रहा है, छोटा लेंथ में है, बट ऐसा सिचुएशन है कि ये करंट ऊपर से निकल रहा है, नीचे से एंटर कर रहा है, ऊपर बाहर आ रहा है, यहाँ पर जो है ना, ये जो करंट है इस तरह से ऊपर निकला, यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये फाइनली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें कलेक्टिवली हर एक वायर का, पहले तो एक वायर का देख लो फिर कलेक्टिवली समझ जाना, इसमें अगर मान लो ये करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट में ये इस तरह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड देखोगे ना वो ऐसे आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसी डायरेक्शन में, मतलब पूरा अगर देखोगे ओवरऑल
तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा इधर वाले वायर के कारण। अब इधर वाले वायर का कारण नीचे वाले वायर के कारण देखोगे तो ये ऐसे इस तरह से है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगा ऐसे, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ये ऐसे, ठीक है। इस डॉट वाले वायर डॉट की वजह से देखोगे तो यहां पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस क्रॉस के कारण देखोगे तो ये ऐसे होगा, तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड लगभग जीरो के इक्वल होगा, जीरो तो नहीं होगा लेकिन लगभग जीरो के इक्वल होगा। सेम यहां नीचे की तरफ, मतलब समझ रहे हो बात कि ये जो अंदर जो कोर है ना इसके, ये जो कोर बनाया है बीच में, बीच में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ये जो मैंने ब्लैक बना दिया, तो मैं रेड बना देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड बीच में तो एग्जिस्ट करेगा इस कोर के, ठीक है, और यहाँ पर। लेकिन बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, ये अगर तुम चेक करोगे पूरा, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा लगभग जीरो के इक्वल होगा, पूरा जीरो तो होगा नहीं, लगभग जीरो के इक्वल होगा। यहाँ पर भी ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन होगा, ठीक है। तो हर एक जगह पर मतलब नीचे की तरफ भी सिमिलर सिचुएशन होगा, इसके कारण देखोगे ना ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और क्रॉस के कारण देखोगे तो नीचे की तरफ, मतलब अगर मैं इसको पी बोलूं, ठीक है, और नीचे वाले को क्यू बोलूं, तो ऊपर देखोगे इसके ऊपर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बीपी ये आएगा, और क्यू जो होगा इधर बी क्यू, और दोनों पास पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को लगभग कैंसिल कर देगा, क्योंकि आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर टू पाई ए या आर, ये डिस्टेंस होता है। अब ये आर की वैल्यू गैप तो है लेकिन इतना नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कंप्लीट जीरो तो नहीं होगा लेकिन लगभग जीरो के इक्वल हो, ठीक है। तो ये कहलाता है यहाँ बी के इक्वल होगा आइडियली, ओके, मतलब लगभग हम मान सकते हैं कि नेग्लिजिबल होगा। तो इस बात को तुमको लिखना पड़ेगा यहां पर कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ STRENGTH strength is maximum but outside the solenoid magnetic field strength is वीक, ठीक है, वीक कमजोर होता है, ठीक है, आउटसाइड कमजोर होता है या फिर लगभग जीरो के इक्वल या बी जीरो के इक्वल ही होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो के इक्वल होता है। अब हमें आता है क्या, ये तो हम समझ लिए। अब यहाँ पर एक दूसरा कंसेप्ट आता है कि अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है सोलेनाइड, तो इसका कौन सा फेस, मान लो हमने ये कोर है और इस पर हमने वायर लपेट दिया ऐसे, ठीक है, तो इसका कौन सा फेस ये है, ऐसे ऐसे लपेटा हुआ वायर, ओके, वैसे तो ये है लपेटा हुआ जो तुमको फिगर में दिखाया मैंने, नीचे से जा रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसे जा रहा है इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे। तो इसका कौन सा फेस जो होगा नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, कौन सा साउथ पोल की, ये फेस, ये इसकी बात हो रही। तो एम्पियर्स राइट हैंड रूल है एक, कि आप सोलेनाइड को इस तरह से ग्रैप करिए कि फिंगर करंट के डायरेक्शन में हो, तो एक्सटेंडेड थंब जो पोलरिटी देता है, ठीक है, सोलेनाइड्स के नॉर्थ पोल को बताता है, ठीक है। वैसे भी थंब हमें अक्सर में देखना सर्कुलर कॉयल में भी क्या करता था, नॉर्थ पोल को ही तो बताता था, तो ये भी ऐसा ही करेगा। अब ये इसको करंट तो तुम क्या करा, ऐसे फ्लो करा रहे हो, इस डायरेक्शन में करंट है हर एक का, नहीं, अगर मैं इसको मार्क करूं तो कैसे मार्क करूंगा, देखो, अगर मान लो इसमें मार्क करना है मुझे, तो यहां पर क्या होगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा, ये वाला डायरेक्शन नहीं, ये नीचे की तरफ डायरेक्शन होगा करंट का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि करंट का डायरेक्शन इसे ये जो देगा, ये वाला क्या देगा, नॉर्थ पोल को बताएगा, व्हाट डज इट गिव, नॉर्थ पोल को, और ये क्या बताएगा बेटा, साउथ पोल को, ओके। तो यही चीज है, हमें इससे आगे बढ़ना है, यहां पर हमें लिखना है क्या, एम्पियर्स राइट हैंड रूल, ओके, एम्पियर्स राइट हैंड
राइट हैंड रूल, एम्पियर्स का राइट हैंड रूल, ठीक है। अब ये राइट हैंड रूल क्या कहता है एम्पियर्स, ठीक है, ये कहता है, ये है ग्राफ्स, कहता है क्या है यहाँ पर, ग्राफ अ सोलेनाइड विद राइट हैंड एंड सो दैट फिंगर gives the direction of current than extended thumb gives the direction of नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनॉइड के नॉर्थ पोल को देगा। सिंपल है। अब देखो इसको ग्रास्प करो ऐसे, देखो करंट के डायरेक्शन में, देखो करंट के डायरेक्शन रखो, थंब किधर, इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा। तो ये तुम्हारा था, ओके, ये बेसिक। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट सोलेनॉइड में यही नहीं लिखते, ये तो जस्ट इसका क्या था, क्वालिटेटिव डिस्कशन था, एक्सप्रेशन क्वांटिटी तो आया नहीं, क्वालिटेटिव डिस्कशन, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव डिस्कशन तो इसका हम अब करेंगे, मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसको रफ करते हैं फिर क्वांटिटेटिव डिस्कशन में बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये सोलेनॉइड्स है, इसका सेक्शनल व्यू हमने दिखाया है कि मान लीजिए इस पर हमने वायर जैसे लपेट दिया था ना, अब ये वायर हमने इस पर लपेट दिया, ठीक है, इस पर हमने ऐसे वायर लपेट दिया और इसमें करंट फ्लो करा दी, अब और इसको बीच में से कट कर देते, तो उसको कहते हैं सेक्शनल व्यू, ठीक है। तो अब बीच में से अगर मान लो इसको तुम कट कर दो, करंट फ्लोइंग है, तो ये जो करंट जो बाहर आ रहा है वो दिखेगा, तो ये आउटवर्ड करंट और इनवर्ड करंट है, ओके। तो जैसे वायर का बताया मैंने, जो बाहर की तरफ आता रहता है उसको किससे डिनोट करते हैं, डॉट से, और जो अंदर की तरफ जाता है उसको किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस। अब इन दोनों को अगर तुमको ये समझ में आ गया तो तुम देखो, जैसे ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है आउटसाइड, अब इसमें तुम देखोगे यहाँ पर ये बाहर की तरफ करंट आ रहा है, तो यहाँ देखोगे तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा ये इस तरह से होगा, ऐसे नहीं, इस तरह से ऐसे, बट ये अंदर की तरफ करंट जो जा रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस तरफ से, मतलब दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाला है, सपोर्टिव ही होगा। अब यहाँ से इस तरह से ये अगर लेना है आपको तो इस तरह से ले सकते हैं आपको मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट कैरिंग वायर। अब ये दोनों हमको समझ में आ गया है, यहाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। अब मैंने लॉन्ग सोलेनॉइड लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका मतलब ये है कि जो तुम इसका लेंथ ले रहे हो रिस्पेक्टिवली इसके रेडियस से बहुत ज़्यादा है। रेडियस कोई सर्कुलर तुमने हेलिक्स बनाया है तो ऑफकोर्स उसमें रेडियस तो कुछ होगा ही ना, लेकिन उसकी जो लेंथ है इन कंपेरिजन टू रेडियस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ लॉन्ग सोलेनॉइड। ये फाइनाइट सोलेनॉइड नहीं है, ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, मतलब कहते हो लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब मैंने बताया फिजिक्स में कई बार कि बहुत ज़्यादा लेंथ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कोई भी क्वान्टिटी इनफाइनाइट इसका मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि पता ही नहीं है कि कितना है, ठीक है, पता होता है लेकिन बहुत ज़्यादा होता है वो क्वांटिटी। अब उसमें इसमें दिया क्या क्या हुआ है, एल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड, जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर लपेटा गया है, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, कहने का मतलब तुम एन नंबर ऑफ टर्न्स है जितना लपेटा गया हुआ है अपॉन एन, ये स्मॉल एन है, I current passing through the solenoid. Solenoid से जो करंट पास कर रहा है वो I है। अब देखो ये एम्पिरियन लूप है, ये यहाँ पर हमने कौन सा लूप बनाया, एम्पिरियन लूप एक बना ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये एम्पिरियन स्क्वायर है, ओके, ए बी सी एंड डी, ये स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर ए बी सी एंड डी, ये मैं इस तरह से होगा इसका,
डायरेक्शन जो है इस तरह से, एम्पियर्स लूप का जो डायरेक्शन है ना इस तरह का है। अब देखो अगर हम इस पूरे लूप के में अगर एम्पियर्स लॉ लगाए, अप्लाई एम्पियर्स लॉ इन लूप ए बी सी डी ए में, ठीक है, अगर हम लूप एम्पियर्स लॉ लगाए फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स एम्पियर्स लॉ अगर एम्पियर्स लॉ लगाए तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो आई कितना, अब मान लो यहाँ पर ये पूरे ये जो लूप है ना पूरे सोलेनाइड को कंटेन करता है, बट एक सिंपल सा एग्जाम्पल्स भी है, ठीक है, तो एक छोटे से लेंथ ले ली, उसकी पूरा इंटीग्रेट कर देंगे उसको पूरे से। अब यहाँ ये जो है ना इसकी लेंथ एल है, सोलेनाइड के पूरे लेंथ को कवर करता है, तुम यहाँ से यहाँ तक बना सकते हो, ठीक है, तो नेचर से जस्टिफाई होता है, ओके। अब यहाँ पर मान लो ये टर्न्स एन है, हमने बताया है अभी लिखा है कि एन नंबर ऑफ टर्न्स है सोलेनाइड के अंदर, तो कितने करंट फ्लो होंगे, एक टर्न से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो एन टर्न से कितना होगा, एन इंटू आई, क्लियर है, और यही चीज आप लिखेंगे यहाँ क्या, म्यू नॉट एन आई। अब म्यू नॉट एन आई लिख लिए, अब इसको स्प्लिट करिए छोटे छोटे पार्ट्स में, तो बी डी एल, ठीक है, बी डॉट डी एल, ओके, ए टू बी प्लस बी डॉट डी एल बी टू सी प्लस बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल सी, ये कहाँ तक हम लोग सी टू डी डी टू ए, ओके, बी डॉट डी एल म्यू नॉट एन आई, ओके, और ये है यहाँ तक क्लियर है इस बात को, ये अब इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। मैंने अभी सर्कुलर साइन को ब्रेक किया है, लिमिट लगाए ए से बी। अब देखो ए से बी में हमें अगर डीएल एलिमेंट ले रहे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, तो ये डीएल एलिमेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है, तो बी डॉट डी एल अगर लिखा जाए यहाँ पर बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, ए टू बी को हम 0 टू एल लिख सकते हैं, यहाँ से इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 0 टू एल, प्लस बी डॉट डी एल बी टू सी है तो बी डॉट डी एल बी इधर है और डी एल ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 है, ओके, लिमिट लगाने का छोड़ ही दो बात, तो बी सी खत्म ही करो इसको। उसके बाद है सी टू डी, अभी तुमको समझाया है आउटसाइड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है 0, नहीं, तो बी डी एल जो है ना कॉस 90 अगर लिख भी दोगे, कॉस यहाँ पर इसकी 0 और थीटा की तो बात ही छोड़ दो, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस फिर से लो प्लस ये वाला टर्म अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, बी डी एल कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और ये जो आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा डी टू ए, ठीक है प्यारे बच्चों, कंप्लीट कितना है म्यू नॉट एन आई है, ओके, और बी डी एल अब इसको मैनिपुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा और डी एल एलिमेंट है 0 से, कितना होगा एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ओके, तो बी डी एल डी एल को इंटीग्रेट करो तो एल हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, ओके, और इसी चीज को जब तुम करोगे ना ये बी डी एल तो आ ही जाएगा ना इंटीग्रेट करके रे बी डी एल, ओके, बी डी एल को इंटीग्रेट करोगे तो एल आ जाएगा। अब बी की वैल्यू अगर निकाली जाए तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, तो एन अपॉन एल को क्या लिखते हैं स्मॉल एन, तो म्यू नॉट एन आई, तो ये बी है, यही चीज आप लिख सकते हैं, क्लियर है इतना, तो ये बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इसी को बोलते हैं मुन्नी, क्या बोलते हैं मुन्नी, ओके, ये है मुन्नी, बी को क्या बोलते हैं म्यू नॉट एन आई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनाइड्स का है,
और हम अगर मान लो सपोज करो कि इसके एंड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे तो कितना होगा, इस पूरे का तो बी हो गया और इस साइड है ही नहीं तो आधा पार्ट हो गया ना, नहीं इस तरह इस यहाँ पॉइंट हम लेना चाहते हैं तो बी अपॉन टू हो जाएगा एंड पॉइंट पर, क्योंकि इसका पूरा लेंथ तो बी है और इधर कोई है ही नहीं तो बी अपॉन टू आधा हो जाएगा। अच्छा इधर का तो बी है तो इधर आधा कैसे हो जाएगा ऐसा, चलो कोई नहीं इसको नोट दे के मैं अभी एक्सप्रेशन से तुमको समझाऊंगा ना न्यूमेरिकल वैल्यू लेके तो क्लियर होगा कि एंड पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके इतना क्लियर होगा हो गया होगा और ये लगाना है तुमको वेरी इंपॉर्टेंट आते ही आते ब्रांड का ये वैल्यू का है, एम्पीयर्स लॉ के सारे एप्लीकेशन मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये थर्ड नंबर एप्लीकेशन था सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ओके अब इसको मैं रफ करता हूँ और फिर इसके नोट लिखते हैं पहले उसके बाद से नोट देखिए पॉइंट लिखिए नोट में क्या है। देखो मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनोइड का जो होता है फाइनाइट सोलेनोइड का उसका एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है क्लियर है इतनी बात। अब ये कहाँ से होता है कैसे होता है ये थोड़ा सा कंपटीशन लेवल में पढ़ना आपके लेवल में है नहीं आपका सिलेबस में ही नहीं बोर्ड में तो इसको तो अभी रहने दे, लेकिन इतना होता है और एंड पॉइंट पर तुमको कभी कभी पूछ देता है कि इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो जानना जरूरी है और उसको समझाने के लिए इस एक्सप्रेशन का उपयोग जरूरी है। अब देखो ये मान लो फाइनाइट सोलेनोइड्स है इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये यहाँ से यहाँ तक ये थीटा है और यहाँ इस पॉइंट को लेंगे तो ये वाला चीज है ये पॉइंट है ये पूरा एंगल कितना है थीटा टू है। ओके अब मान लो सपोज करो इस पॉइंट पी को ये क्लियर हो गया होगा ये पी पॉइंट है। ओके और इस पी पॉइंट पर ये जो वैल्यू है ना वो थीटा वन है। ठीक है बेटा ये थीटा वन है। अब इसी पी पॉइंट को यहाँ पर लेके आना है इस पॉइंट पर तो इस पॉइंट पर अगर लेके आप आएंगे ना तो ये तो हो गया ऐसे। ठीक है ये कितना हो जाएगा थीटा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री और ये जो लाइन है ना ये पी ए तो ये है पी ए एंड बी। अब पी बी जो हो जाएगा वो इधर हो जाएगा इस साइड यहाँ ये कितना हो जाएगा ये पूरा एंगल लेगा तो कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है ये पूरा अगर देखें ना थीटा टू होगा तो ये पूरा लाइन तो इधर अटैच टच हो गया ना अब इसी एंगल का देखोगे तो कितना हो जाएगा 180। जब तुमको ये समझ में नहीं आया होगा तो ये इस पूरे पॉइंट को अगर इसको यहाँ तक लेके आओगे ना स्ट्रेट ये सर कैसे हो गया होगा ये पूरा चीज तो लगभग ये पास में ही है। ठीक है तुम्हारे होगा डाउट कि सर ये यहाँ पर भी आ जाएगा तो ये चीज तो यहाँ ऐसे स्ट्रेट रहेगा ना तो ये लगभग पास में ही इसी के एंड के पास में तो इसलिए क्या हो जाएगा 180 डिग्री का लगभग क्लोज है। तो यहाँ पर थीटा वन की जगह पर वैल्यू जो होगा 90 डिग्री एंड थीटा टू की जगह पर वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। तो बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन टू कॉस 90 माइनस कॉस 180। ठीक है तो ये हो जाएगा कॉस 90 की वैल्यू कितनी 0 और कॉस 180 की वैल्यू -1 तो म्यू नोट एन आई अपॉन टू -1 कॉस 90 0 तो ये कितना हो जाएगा म्यू नोट एन आई अपॉन टू ये बी की वैल्यू है। समझ में आई बात है। अब एंड पॉइंट पर मतलब कहाँ पर एंड पर एंड पॉइंट पर मतलब कहने का इसके छोर पर सोलेनोइड के किसी छोर पर तो इसको जब तुम ग्राफ ड्रा करोगे ना बेटा तो ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड ये स्ट्रेट जाएगा यहाँ से इस तरह से ऐसे और ये ऐसे। ठीक है तो ये एंड पॉइंट पर ऐसे ये जीरो है ये ऐसे ये पूरा बी होगा ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है तो ये वाला जो रीजन होगा ना ये बी बाय टू को डिनोट करेगा आधा मैग्नेटिक फील्ड। ओके ये तो ये ए है बी है सॉरी यहाँ पर ऐसा कर लो बी तो बार बार मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर एक्स वाई है और ये जेड मान लो ये जेड डैश है। ओके तो ये इस तरह से ऐसे आएगा। ओके ये कहाँ पर है एंड पॉइंट पर है एंड पॉइंट ये भी एंड पॉइंट। ओके समझ में आई बात है। अब ना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टॉराइड्स पढ़ेंगे। ठीक है
सोचा था इसी वीडियो लेक्चर में पढ़ा दूं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। फिर क्वेश्चंस भी इस पर आए हुए जो है वो भी सॉल्व करेंगे, तो एक क्वेश्चंस का भी सीरीज आएगा, तो उसमें टॉयलेट छोटा ही है, वो फिनिश हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस भी ले लेंगे। ओके, तब तक के लिए वीडियो वॉच करने के धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।